हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। आपका ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है वो ऐसे तो हम लोग का जितना भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है उसमें तो आते ही है, SSC, बैंकिंग, ग्रुप डी, RRB, इन सब में तो आता ही है। लेकिन ये क्लास 12 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे कि मैंने अकाउंट्स का भी डाल रखा है, वैसे ही मैंने इसको भी क्लास ट्वेल्व मैथमेटिक्स के प्ले लिस्ट में भी डाला हुआ है और आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम के भी प्ले लिस्ट में डाला हुआ है। सो अगर आपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम का देख लिया तो आपको 12th का नहीं देखने की ज़रूरत है, और अगर आपने 12th का देख लिया तो आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम का देखने का ज़रूरत नहीं है। वैसे भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम और UPSC का जो सिलेबस होता है वो हम लोग का 10th 12th से ही रिलेटेड का रहता है। तो हम लोग शुरू करना चाहते हैं, हम लोग शुरू करते हैं अपना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर। तो सबसे पहले हम लोग को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जानना क्या है कि परम्यूटेशन मतलब क्या होता है। तो परम्यूटेशन मतलब होता है कि कोई चीज़ को सिलेक्ट करना। कैसे सिलेक्ट करना? एक अरेंज मैनर में सिलेक्ट करने को ही हम लोग परम्यूटेशन कहते हैं। तो परम्यूटेशन का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं NPR। सॉरी गाइस, यहाँ पे ना मतलब सही से लिखा नहीं जा रहा था कीबोर्ड के इसमें, तो आप लोग देख लीजिएगा। वैसे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में P के पावर पे N लिखते हैं और राइट हैंड साइड में P के डाउनवर्ड्स में R लिखते हैं। तो NPR हम लोग लिखते हैं जहाँ पे हम लोग N नंबर्स लेते हैं R टाइम में। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये अभी आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा लेकिन जैसे जैसे हम लोग सम करेंगे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। तो फैक्टोरियल को या तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो स्लाइड l से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r को हम लोग परम्यूटेशन कहते हैं, NPR का जो फॉर्मूला होता है। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को सिलेक्ट करना। परम्यूटेशन मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ को सिलेक्ट करना इन एन अरेंज्ड मैनर। तो अरेंज मैनर में सिलेक्ट करने को हम लोग परम्यूटेशन कहते हैं। और कोई भी चीज़ को सिलेक्ट करना, सिर्फ अरेंज मैनर में सिलेक्ट नहीं करना, सिर्फ सिलेक्ट करने को हम लोग कॉम्बिनेशन कहते हैं। और कॉम्बिनेशन का भी फॉर्मूला NCR, और ये NCR मैंने जैसे आपको NPR का बोला था, इसका फॉर्मूला क्या होगा, मतलब इसका लिखने का ढंग क्या होगा? N के लेफ्ट हैंड साइड के पावर पे ऊपर N होगा, फिर C होगा, और R जो होगा वो C के नीचे राइट हैंड साइड में होगा। तो NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। तो ये हम लोग का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है। तो हम लोग को परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन मतलब तो समझ में आ गया और इनके फॉर्मूला भी समझ में आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे के हम लोग को एक चीज़ बस याद रखना है, बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल। बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल ये चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो खाली बस दो ही चीज़ है जिसको बोलते हैं एंड। एंड मतलब क्या होता है यहाँ पे? और मतलब और भी क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो एंड मतलब क्या हो गया यहाँ पे? और जब भी ये एंड वर्ड या और वर्ड यूज़ किया जाएगा तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन साइन को यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। और सेकेंड चीज़ क्या होता है? और मतलब या फिर ऐसे कर सकते हैं। तो फिर जब भी और चीज़ मेंशन किया जाएगा क्वेश्चन में तो हम लोग और या चीज़ मेंशन किया जाएगा क्वेश्चन में तो हम लोग प्लस साइन को मेंशन करेंगे। तो बस यही दो चीज़ हम लोग को इसमें याद रखना है, बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल जो हम लोग का है। एंड होगा तो मल्टीप्लिकेशन और होगा तो प्लस। अब हम लोग आते हैं वर्ड बेस्ड परम्यूटेशन पे। वर्ड बेस्ड परम्यूटेशन से क्या होगा ना कि हम लोग एक एग्जांपल में ही पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। इस मतलब जो भी हम लोग आगे पढ़े कि परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये सब हम लोग एक ही इसमें कवर कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने इधर ले लिया नेम। नेम मैंने एक वर्ड ले लिया जिसमें चारों अलग अलग कैरेक्टर है।
तो अगर आप लोग को बोला जाए क्वेश्चन में कि अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो परम्यूटेशन पे, तो कितना तरीके से हम लोग नेम वर्ड को डेकोरेट कर सकते हैं, मतलब हम लोग कितना तरीके से नेम वर्ड को उल्टा पुल्टा करके लिख सकते हैं। मतलब एन की जगह ए लिख दो, एन की जगह एम लिख दो, ए की जगह ई लिख दो, ऐसे करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो तो कोई रेस्ट्रिक्शन अगर हमारे पास ना है तो हम लोग इसको एन फैक्टोरियल वेज में लिख सकते हैं। और इधर हम लोग का एन फैक्टोरियल वे क्या है, इधर हम लोग का एन फैक्टोरियल वेज है 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि ये नेम जो वर्ड है ये 4 लेटर का बना हुआ है, 1 2 3 4, एन ए एम ई, 4 लेटर का बना हुआ है। तो एन इधर हम लोग का कितना है, 4, तो इसको हम लोग कितना फैक्टोरियल से कर सकते हैं डेकोरेट, 4 फैक्टोरियल से, यानी 4 × 3 × 2 × 1 को हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 4 × 3 = 12 = 24। 24 वेज से हम लोग नेम वर्ड को ऐसे डेकोरेटेड कर सकते हैं। होप आप लोग को फैक्टोरियल मतलब समझ में आया होगा। अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं एक बार आप लोग को बोर्ड में लिख के भी दिखा देती हूँ। तो जैसे मैं आपको बोली थी, एन पी आर एस लिखते हैं, एन सी आर एस लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग का क्या था, एन फैक्टोरियल, तो हम लोग का क्या था, नेम था, सॉरी नेम था हम लोग का नेम। तो इसमें हम लोग को क्या करना था, जब कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो तो हम लोग का एन फैक्टोरियल। अब ये देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यानी ये हम लोग का कितना हो गया, 4 फैक्टोरियल हो गया, यानी 4 × 3 × 2 × 1, तो ये हो गया हम लोग का 4 फैक्टोरियल, यानी 4 × 3 × 2 × 1, यानी 24। अब फैक्टोरियल मतलब तो आप लोग सबको पता ही है, फैक्टोरियल मतलब तो आप लोग सबको पता ही है कि मतलब आप लोग को मान लीजिए एन फैक्टोरियल, तो मतलब एन से लेके आप लोग को 1 तक जाना है, यानी ऐसे चलेगा, एन इंटू एन माइनस 1 × एन माइनस 2 × डॉट 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 इंटू 1, ऐसे करते करते आप लोग को वहाँ तक जाना है। तो इससे मैं आप लोग को एक बात बोल सकती हूँ कि जैसे हम लोग ऐसे करके जा रहे हैं, एन फैक्टोरियल इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल इंटू सॉरी एन फैक्टोरियल इक्वल्स टू एन इंटू एन माइनस 1 × एन माइनस 2 × एन माइनस 3 × डॉट 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 कितना तक, 1 तक, ऐसे हम लोग जा रहे हैं। तो यानी हम लोग का 5 फैक्टोरियल क्या हुआ, 5 × 5 × -1, 5 − 1 4, 5 − 2 3, 5 − 3 2 और 1, ऐसे करते करते हम लोग 5 फैक्टोरियल कर दिए। अब हम लोग ये भी तो कह सकते हैं, ये जो एन माइनस 1 हो रहा है, एन इंटू एन माइनस 1 × एन माइनस 2 जो हो रहा है, ये एन माइनस 1 का फैक्टोरियल जा रहा है, यानी एन इंटू एन माइनस 1 हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। तो हम लोग ये क्या देख रहे हैं, हम लोग इधर क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग 1 का फैक्टोरियल करें, हम लोग अगर 1 का फैक्टोरियल करें तो ये होगा 1 फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल करें तो ये होगा 2 × 1 फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल करें तो ये होगा 3 × 2 × 1, 4 का फैक्टोरियल अगर करें तो क्या होगा, 4 × 3 × 2 × 1, यानी हम लोग ये भी तो कह सकते कि 4 × 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 3 × 2 × 1 तो हमारा जो है 3 फैक्टोरियल ही हुआ। तो
तो हम लोग ये भी तो कह सकते हैं 4 × 3 फैक्टोरियल। तो बस यही चीज आप लोग को समझना है। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा था, वर्ड बेस्ड परम्यूटेशन में जब हम लोग को कोई भी वर्ड को डेकोरेट करना होता था लेकिन उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं था, तो क्या हम लोग यूज़ करते थे, एन फैक्टोरियल, मतलब 1, 2, 3, 4 जो हम लोग ने एग्जांपल लिया था उसमें हम लोग के पास चारों प्लेस खाली थे। तो हम लोग ये इधर हम लोग कुछ भी बैठा सकते थे, या तो एन बैठा सकते थे, या तो ए बैठा सकते थे, या तो एम बैठा सकते थे, या तो ई बैठा सकते थे। अब इन चारों में से किसी एक को इधर बैठा दिए तो ये जगह तो कैप्चर हो गया और ये चीज़ भी हट गया। अब ये तीसरे प्लेस में हम लोग क्या बैठा सकते हैं, इन तीनों में से कोई भी एक जन को बैठा सकते हैं, तो ये भी हट गया और ये प्लेस भी कैप्चर हो गया। अब इन दो प्लेस में हम लोग इन दो में से किसी एक को बैठा सकते हैं, मतलब अगर इसको बैठा दिए तो ये जगह कैप्चर हो गया, ये हट गया और इसमें खाली यही बैठ सकते, यानी ये इधर आ गया। तो मतलब पहले पहले वाले प्लेस को हम लोग चार वेज में ये कर सकते, यानी या तो एन, या तो ए, या तो एम, या तो ई। सेकंड वाले को तीन तरीके से, और जो तीसरे वाले उसको दो तरीके से, और चौथे वाले को एक तरीके से। यानी देखा जाए तो ये 4 फैक्टोरियल ही हो गया आपका, यानी 24। तो जब नो रेस्ट्रिक्शन होता है तो आपका क्या फॉर्मूला होता है, एन फैक्टोरियल। तो दूसरा क्या है, जब हम लोग का कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है, वर्ड स्टार्ट मतलब हम लोग के पास एक एग्जाम्पल था, यानी हम लोग के पास क्या था एग्जाम्पल में, एन ए एम ई, ये हम लोग का एग्जाम्पल है नेम। तो इस मान लीजिए हम लोग को बोला है कि हम लोग को वेज बताना है कि कितनी तरीके से ये नेम वर्ड डेकोरेट हो सकता है, लेकिन लेकिन पहला वाला जो प्लेस है, पहला वाला जो स्थान है वो एन ने कैप्चर कर रखा है, तो मतलब आप इसको हिला नहीं सकते। मतलब आप खाली ए एम और ई को ये तीन प्लेस में घुमा फिरा के बैठा सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे कि एन माइनस 1 फैक्टोरियल। 1 − 1 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि ये एक जगह तो एन ने कैप्चर कर रखा है। मान लीजिए ये एक जगह इधर हो सकता है, ये एक जगह इधर हो सकता है, ये एक जगह इधर हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है ये एक जगह। तो सेम चीज़ जो तीसरा वाला है, वर्ड वर्ड बोल तीसरा वाला है कि लेटर जो है अगर एंड करेगा, मतलब मान लीजिए कि हम लोग का जो एग्जांपल है उसमें बोला कि आप नेम वर्ड को डेकोरेट कीजिए लेकिन जो एन वर्ड है वो हमेशा लास्ट में, मतलब कोई भी जो आप वर्ड बनाएंगे उसके लास्ट में हमेशा एन आना चाहिए। तो एन वापस से ये जगह को कैप्चर कर लिया। अब आप ए एम और ई को ये तीनों जगह पे घुमाते रहिए, यानी 3 फैक्टोरियल वेज में, यानी एन माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे हम लोग का कितना था, एन 4 फैक्टोरियल, यानी 4 − 1 = 3 फैक्टोरियल वेज में आप ये ए एम और ई को तीन जगह पे बैठा सकते हैं। अब एक है वर्ड स्टार्ट एंड वर्ड एंड। वर्ड स्टार्ट और वर्ड एंड क्या होता है, मान लीजिए हम लोग के पास जो नेम वर्ड है एन ए एम ई, जो ये नेम वर्ड है 1, 2, 3, 4, 4 लेटर का वर्ड है। अब बोल दिया कि ये नेम वर्ड को डेकोरेट करो, लेकिन जितने भी वर्ड बनेंगे ये नेम वर्ड से उनके शुरू में एन होना चाहिए और लास्ट में ई होना चाहिए। अब ये दोनों ने तो जगह कैप्चर कर लिया, ये दोनों ने तो जगह कैप्चर कर लिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एन माइनस 2 फैक्टोरियल, एन माइनस 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दो जगह तो ऑलरेडी कैप्चर हो गया। अब ए और एम को हम लोग दो तरीके से ही भर सकते हैं, यानी 4 − 2 यानी 2 फैक्टोरियल से, और 2 फैक्टोरियल कितना होता है, दो तरीके से ही हम लोग ये जगह को भर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग के मन में आया होगा कि अगर ये नेम की जगह और कोई वर्ड होता और शुरू में भी ई होता लास्ट में भी ई होता, या फिर शुरू में भी एन होता लास्ट में भी एन होता, तो हम लोग क्या करते। तो हम लोग
ये इसको पहले देखते, ये तो हटा ही देते, इसको पहले देखते ये कितना होता है, ये होता है 2 फैक्टोरियल हम लोग का, और फिर इसको और इसको भी तो उल्टा फुल्टा कर सकते थे, अगर दोनों सेम ही है तो उल्टा फुल्टा कर सकते थे, इधर भी ये वाला ई लिख सकते थे, इधर भी ये वाला ई लिख सकते थे, तो इसको भी हम लोग 2 फैक्टोरियल कर देते, यानी 2 इंटू 2, यानी 4 तरीकों से ये वर्ड तब बन पाता। पांचवा कंडीशन क्या आता है, जहाँ पे हम लोग का सारा वॉवल्स एक साथ रहेगा, सारा वॉवल्स हम लोग का एक साथ रहेगा। तो हम लोग का नेम में वॉवल्स कौन सा है, ए और ई, ये दोनों को हम लोग को साथ में बैठाना है। अब जितना भी हम लोग नेम से ये डेकोरेट करेंगे, जितना भी वेस से हम लोग डेकोरेट करेंगे नेम को, उसमें हम लोग को ए और ई हमेशा साथ में रखना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं मान लेती हूँ कि ए और ई मेरा सिंगल यूनिट है, ए और ई मेरा सिंगल यूनिट है, तो यहाँ पे मैं अगर ए और ई को बैठा दी तो इसको मैं अपना एक सिंगल यूनिट मान लूँगी। बाकी ये एन और एम को मैं यहाँ बैठा देती हूँ, ये मेरा कितना हो गया इधर, 1 2, और ये एक सिंगल यूनिट, तो टोटल मेरे पास कितने यूनिट हो गए, मेरे पास टोटल 3 यूनिट हो गए, एक तो मेरा एन का, एक मेरा एम का, और एक किसका, ए और ई का, क्योंकि ए और ई को मैंने एक ही लेटर, तो 3 यूनिट मैंने किसको माना है, एक तो मेरा एन को, दूसरा मेरे एम को, और तीसरा ए और ई को। ए और ई एक साथ क्यों, क्योंकि हम लोग को वॉवेल्स को एक साथ रखना था, तो मैंने जो जितने भी वॉवेल्स थे हम लोग के नेम वर्ड में, उसको मैंने एक लेटर मान लिया। तो हम लोग का कितना हुआ टोटल, टोटल हुआ मेरा 3 यूनिट, और 3 यूनिट को मैं कितने तरीके से डेकोरेट कर सकती हूँ, 3 फैक्टोरियल वेज में मैं डेकोरेट कर सकती हूँ। अब फिर ए और ई जो है, ए और ई जो है, इसको भी तो मैं आपस में इंटरचेंज कर सकती हूँ, ई की जगह ए लिख सकती हूँ, की जगह ई लिख सकती हूँ, तो ये क्या होगा मेरा 2 फैक्टोरियल, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, यानी टोटल मेरा कितना हुआ, 6 6 2 12, 12 वेज में मैं इसको भर सक नेम वर्ड को डेकोरेट कर सकती हूँ, जिसमें मेरा ए और ई वर्ड, यानी मेरे वॉवेल्स हमेशा साथ में आएंगे। अब ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, अब ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर मतलब एन ए एम ई में जो हम लोग का कॉन्सोनेंट है वो एक साथ होने चाहिए, तो हम लोग वॉवेल जैसे ही करेंगे, एन और एम को एक यूनिट मान लिया, ई और ए, ये हम लोग के कितने हुए, 3 फैक्टोरियल, और इसको भी तो हम लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल, ये भी कितना वेज में, 12 वेज में डेकोरेट कर सकते हैं। अब वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट दोनों ही अपने अपने एक साथ होने चाहिए, मतलब एन के साथ हमेशा एम आना चाहिए, ए के साथ हमेशा ई आना चाहिए, वॉवेल्स एक साथ होने चाहिए और कॉन्सोनेंट्स हमेशा एक साथ होने चाहिए, तो मेरे टोटल यहाँ कितने यूनिट हो गए, टोटल यहाँ मेरे कितने यूनिट हो गए, 2 यूनिट हो गए, क्योंकि इसको मैंने एक यूनिट मान लिया, इसको मैंने एक यूनिट मान लिया, तो टोटल मेरे कितने यूनिट हो गए, 2 यूनिट हो गए। अब इन 2 यूनिट को तो मैं अपने, ये जो 2 यूनिट होगी यानी 2 फैक्टोरियल, तो एन और एम को मैं आपस में इंटरचेंज कर सकती हूँ, एन और एम को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये 2 फैक्टोरियल, और ए और ई को भी हम लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी ये भी 2 फैक्टोरियल, तो टोटल हम लोग का कितना हो गया, 8 वेज हो गए, जिससे हम लोग एक नेम वर्ड को डेकोरेट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग का जो कॉन्सोनेंट है वो भी साथ में आएगा और वॉवेल्स है वो भी साथ में आएगा। अब वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर, अब जो हम लोग का क्या आ रहा है, वॉवेल्स हम कभी भी एक साथ नहीं होगा। अब नेम वर्ड में क्या बोल रहा है कि आपको नेम वर्ड को इस तरह डेकोरेट करना है, और कितने वेज है जिसमें आप नेम वर्ड को डेकोरेट कर सकते हैं, जिसमें ये ए और ई जो है कभी साथ में ना आए, कभी ये लोग साथ में ना आए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि
NAME को हम लोग जब डेकोरेट कर रहे थे, नेम वर्ड को जब हम लोग डेकोरेट कर रहे थे, तो जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था हम लोग के पास, तो क्या था? 4 फैक्टोरियल। और जब हम लोग का ए और ई साथ में था, तब क्या था? 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब 24, और 3 इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब, अब ऐसे मत कर दीजिएगा कि 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इक्वल्स 6 फैक्टोरियल, एकदम काट देगा आप लोग का। 3 इंटू 2 इंटू, दिखा देती हूँ, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कभी मत कर दीजिएगा, 6 फैक्टोरियल एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 हम लोग का आता है 12, जबकि 6 फैक्टोरियल हम लोग का आता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 720, 720। तो ये सब एकदम ही अलग है। तो हम लोग के पास जब नो रेस्ट्रिक्शन था, नो रेस्ट्रिक्शन यानी टोटल लिख लेते हैं, टोटल हम लोग का कितना था? 24 तरीके थे। अब कितने तरीके थे जिसमें ए और ई साथ में रहेंगे? हम लोग के थे कितने? 12 तरीके थे। तो हम लोग के पास टोटल कितने तरीके थे? 24। साथ में रहेंगे कितने थे? 12। तो बिना साथ में रहे हुए तरीके आप इसमें से निकाल सकते हो, नॉट टुगेदर कर लीजिए, 24 माइनस 12 यानी 12 तरीके और है जिसमें ए और ई कभी साथ में नहीं रहेंगे, क्योंकि हम लोग के पास टोटल थे जिसमें हम लोग के क्या मिले हुए थे, साथ में भी रहेंगे और अलग भी रहेंगे, ऐसे मिले हुए थे टोटल तरीके। अब साथ में रहेंगे कितने तरीके हम लोग के पास? 12 तरीके। तो नहीं साथ में रहने के तरीके हम लोग ढूंढ सकते हैं। सेम चीज़ आप लोग कॉन्सोनेंट के लिए भी कर लीजिएगा, कॉन्सोनेंट आर नेवर टुगेदर में टोटल माइनस टुगेदर करके उसके भी कितने तरीके आएंगे? 12 तरीके आ जाएंगे आपके पास, 24 माइनस 12 करके आ जाएंगे। अब और एक चीज़ क्या आता है? वॉवल ऑक्यूपाइज इवन प्लेस, मतलब आपके पास कितने प्लेस है टोटल? 1 2 3 4, 1 2 3 4। नाम क्या था? वर्ड क्या था? नेम। तो क्या बोल रहा है? ए और ई जो है वो हमेशा 2 और 4 प्लेस में आने चाहिए, मतलब इवन प्लेसेस में आने चाहिए। तो आप पहले स्थान को आप दो दो तरीके से भर सकते हैं, या तो ए या तो ई, दो तरीके से भर सकते हैं। तो ये कितना हो गया? 2। और दूसरे स्थान को आप एक तरीके से भर सकते हैं, तो यानी, और एन और एम को आपको 2 फैक्टोरियल वेज में भरना है, और इसको भी आपको इसमें आपको सबसे पहले तो चुनना पड़ेगा। तो 2C, इसमें आप कॉम्बिनेशन नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, बड़े बड़े इसमें कॉम्बिनेशन लगाना पड़ता है। तो इसको आपको पहले 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 करने से ही आपको आंसर मिल जाएगा। 4 तरीकों से आप नेम वर्ड को ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं कि ए और ई हमेशा आपके इवन प्लेसेस में आएंगे, यानी 2 दूसरे स्थान पे और 4th स्थान पे ऐसे करके आएंगे, और ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं। तो आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये तो खाली नेम था, अगर नेम की जगह कोई और चीज़ रहता, जैसे कि मान लीजिए आपका रहता, UNNATI, तो ए और आई यहाँ पे हम लोग का वॉवल्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 जगह है हम लोग के पास। लेकिन हम लोग को किस में बैठाना है इसको? हम लोग को बैठाना है इस पे इस पे इस पे। तो हम लोग क्या करेंगे? 3C2, तीन तीन में से किसी 2 जगह को चुन लेंगे, या फिर यहाँ पे ऐसे भी मत सोचिए, ऐसे सोच लीजिए कि लीजिए आपके पास 1 2 3 4 5 6, 3 इवेंट प्लेसेस है, लेकिन आपके पास लेटर खाली 2 ही है,
लेटर खाली दो ही है, तो आप लोग इधर कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, क्योंकि आपको खाली चुनना है इन तीन प्लेसेस में से कोई भी दो प्लेसेस को चुनना है। तो आप ऐसे करके यहाँ पे फिलहाल के लिए कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। तो यही हम लोग का कॉम्बिनेशन था, यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। और या फिर अगर आपके पास क्या बोलते तीन जगहें हैं, 2, 4 और 6, 1, 1, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपके पास तीन जगह है, UNNA TI, आपको ए और आई को ये 2, 4 और 6 में भरना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3C2 आपको कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। और ये कॉम्बिनेशन का मैं आपको लास्ट को ऐसा फॉर्मूला बोलूँगी कि आपको मज़ा आ जाएगा। अब सेम चीज़ क्या है, वॉवल ऑक्यूपाइज और प्लेसेस, मतलब आपको वापस से और प्लेसेस में बैठाना है। तो अभी नेम वर्ड को छोड़ देते, मेरे वर्ड को ले लीजिए, उन्नति। ये जो है 4, 5, 6, आपको कहाँ पे बैठाने है, एक में बैठाने है, तीन में बैठाने है और पांच में बैठाना है। और आपका वॉवेल्स कितना है, ए और आई दो है, तो इधर वापस से आपको कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा, 2C, सॉरी हाँ 2C2, सॉरी 3C2, 3C2 इंटू UNNT 4 फैक्टोरियल, ऐसे करके आपको लगाना पड़ेगा। सॉरी हाँ 4 फैक्टोरियल आपको लगाना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए, हम लोग वर्ड बेस्ड परम्यूटेशन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। नो रेस्ट्रिक्शन, वर्ड स्टार्ट, वर्ड एंड, वर्ड स्टार्ट एंड एंड, ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर, ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, वॉवेल आर नेवर टुगेदर, वॉवेल ऑक्यूपाई इवन प्लेस, वॉवेल ऑक्यूपाई ऑड प्लेस। सेम चीज़ आप कॉन्सोनेंट के साथ भी कर सकते हैं, कॉन्सोनेंट ऑक्यूपाई इवन प्लेस, कॉन्सोनेंट ऑक्यूपाई ऑड प्लेस। अब एक तो फॉर्मूला पे चलते हैं, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट आर्टिकल टेकिंग आर एट ए टाइम व्हेन आर्टिकल कैन बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम, मतलब कि वो जो आर्टिकल है वो किसी भी नंबर ऑफ टाइम में रिपीट किया जा सकता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा हम लोग का, एन टू द पावर आर, यानी एन आर हम लोग का उसका फॉर्मूला होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट परम्यूटेशन, जैसे मैंने आपको बोला था कि 0 फैक्टोरियल मतलब हम लोग का 1 होता है, और एन फैक्टोरी सॉरी एन परम्यूटेशन 0 मतलब एन पी 0 भी हम लोग का 1 होता है, और जो हम लोग का एन पी एन होता है यानी एन पी एन वो हम लोग का कितना होगा, एन फैक्टोरियल होगा। मान लीजिए हम लोग का है 5 पी 5 यानी आर भी 5 है एन भी 5 है, तो हम लोग का क्या होगा, 5 फैक्टोरियल ही उसका आंसर हो जाएगा। अब एन सी 1 जो है वो हम लोग का एन होता है, एन सी एन जो है वो हम लोग का वो भी 1 होता है, और एन सी 2 जो है वो हम लोग का एन एन माइनस 1 एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको, हम लोग ने शुरू में पढ़ा था कि एन फैक्टोरियल मतलब एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 डॉट 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 1, ये हम लोग ने पढ़ा था। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल है, और हम लोग का एन सी 2 का फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल जो हम लोग ने शुरू में पढ़ा था। अब हम लोग एन फैक्टोरियल को क्या बोल सकते हैं, हम लोग एन फैक्टोरियल को एन इंटू
अब इधर ये एन सी टू है तो इसको हम लोग एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। तो इधर हम लोग एन एन माइनस वन एन माइनस टू फैक्टोरियल इसको ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय एन माइनस टू फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको काट दीजिए, टू फैक्टोरियल हम लोग का कितना होता है, टू फैक्टोरियल ही होता है, तो एन माइनस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू हम लोग का निकल आया। तो आपको समझ में आया कि फार्मूला कहाँ से निकला, एन सी टू का। ऐसे करके अगर आप बाकी फार्मूला भी निकालेंगे तो निकल। ये हम लोग का सम इम्पॉर्टेंट परम्यूटेशंस ख़त्म हो गए। अब थोड़ा देख लेते हैं हम लोग का सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन हम लोग का क्या हो गया, ये मान लीजिए कि एक सर्कल में लोग कैसे बैठेंगे। अब एक सर्कल में आपको लोगों को बैठाना है तो यहाँ पे तो चीज़ें घूमती रहेंगी घूमती रहेंगी घूमती रहेंगी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ें फिक्स कर लेनी है। अब एक चीज़ें अगर आप फिक्स कर लेंगे तो वो तो एन माइनस वन फैक्टोरियल हो गया, तो वही यहाँ पर टोटल परम्यूटेशन क्या कर दिया, एन माइनस वन फैक्टोरियल आपका टोटल परम्यूटेशन को कर दिया है। मान लीजिए कि अगर आपको छः जन को एक सर्कुलर टेबल में बैठाना है तो क्या होगा, एक जगह आपने एक जन के लिए फिक्स कर लिया और बाकी पांच जन अपना उधर घूम रहे, तो कितना हो गया, एन माइनस वन फैक्टोरियल यानी सिक्स माइनस वन फैक्टोरियल इक्वल्स टू फाइव फैक्टोरियल। अब सेम चीज़ अगर हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे तो उसको डिवाइडेड बाई टू कर देंगे, यानी n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू, चाहे वो क्लॉकवाइज में हो या एंटी क्लॉकवाइज में हो। अब हम लोग और एक चीज़ देख लेते हैं, लेटर रिपीटेशन। लेटर रिपीटेशन हम लोग का क्या होता है कि मान लीजिए कि हम लोग का कोई वर्ड में लेटर रिपीट हो रहा है, लाइक इसमें हम लोग रिपीटेशन जो एक एग्जांपल लिए हुए हैं, रिपीटेशन R E P E A T I O N, तो टोटल इसमें हम लोग के कितने लेटर्स हैं, नाइन लेटर्स हैं। तो इसका परम्यूटेशन इसको कितने वेज में डेकोरेट कर सकते हैं, नाइन फैक्टोरियल वेज में डेकोरेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इधर हम लोग ने क्या देखा कि E दो बार रिपीट हो रहा है, तो E को हम लोग उसमें ही दो टाइम रिपीट कर सकते हैं, तो इसको डिवाइडेड बाई हम लोग टू फैक्टोरियल कर देंगे। अब सिर्फ इसी का नहीं, डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल, अगर मान लीजिए कि ई तीन बार रिपीट हो रहा है, ए दस बार रिपीट हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल इंटू टेन फैक्टोरियल आप लोग को ऐसे कर देना पड़ेगा। जैसे इसमें देखिए मैथमेटिक्स में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इलेवन फैक्टोरियल है, लेकिन इधर एम दो बार आ रहा है, ए तीन बार आ रहा है, टी दो बार आ रहे हैं, तो हम लोग का टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितना हो गया, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल हम लोग का टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो गया, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स वर्ड को डेकोरेट कर सकते हैं। तो यही हम लोग का हो गया, लेटर्स आर रिपीटेड। अब इसमें मैंने आप लोग को कुछ क्वेश्चन दिए, ये आप लोग ऐसे होमवर्क कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो करना आप कर रही है, मैंने इसको जूम कर दिया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग को पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल। और आपको इसका अगर नोट्स चाहिए और क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो आपको वो क्वेश्चन आंसर्स मतलब आपको वो क्वेश्चंस मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्या बोलते हैं क्वेश्चन आ चुके आपके पेपर्स में, वही क्वेश्चन आपको मेरे ब्लॉग में मिलेंगे। तो अगर आप लोग को वो चाहिए तो आप लोग उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फ़िलहाल नहीं है तो आपको बाद में वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जब वो रेडी हो जाएगा तो आप लोग वहाँ से जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप लोग को पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कथा मंथन।